हम लोग वोल्ट मीटर पढ़ लिए थे, सॉरी एमीटर पढ़ लिए थे, अब लिखो वोल्ट मीटर, जल्दी लिखो छोटा मोटा है, वोल्ट मीटर। बाकी सब तो बता दिए थे एमीटर में जो भी था, ठीक है। लिखो ना व्हाट इज वोल्ट मीटर, हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट। लिखो व्हाट इज वोल्ट मीटर हुआ, चलो अब साइलेंट रहो। व्हाट इज वोल्ट मीटर लिखा, हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट, मतलब इसको कैसे बनाया जाता है। व्हाट इज वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या है, नाम से पता चल रहा है, वोल्टेज को मापेगा, क्या मापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या मापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखो वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस, वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस, वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस, वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजरमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, विच इज यूज्ड टू मेजरमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, विच इज यूज्ड टू मेजरमेंट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, क्या बताया, हाँ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, लिखा लिखा आराम से ठीक, विच इज यूज टू मेजरमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर लिखो या फिर वायर लिखो, एक ही बात, कंडक्टर ब्रैकेट लिख दो वायर, वायर लिखा ब्रैकेट में, क्या लिखा वायर, बोलो कोई दिक्कत है। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजरमेंट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ द कंडक्टर लिखो या फिर वायर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, बोलो मेजर करता है। एक्चुअली अगर बात करें ना तो वोल्ट मीटर भी एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर ही है, वोल्ट मीटर भी क्या है एक्चुअल, लिख लो फिर नोट करके लिखो, एक्चुअली वोल्ट मीटर इज ऑल्सो ए गैल्वेनोमीटर, एक्चुअली वोल्ट मीटर इज ऑल्सो ए गैल्वेनोमीटर, फिर वो लड़की ऑप्शन करने लगी ना, वो टिकटॉक गर्ल। सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है कि नहीं, चलो क्या नाइन साहब ये हम इंस्टा पे बोल रहा है, हम नहीं एक्टिव वहां, नहीं आईडी है, आईडी कैसे नहीं रहेगा, एक वो इंस्टाग्राम समझ में नहीं आता, वो बना लिए थे, हाँ हम थोड़ी बनाए थे, मेरा कोई दोस्त बना दिया। चलो चलो लिखो लिखो, एक्चुअली वोल्ट मीटर इज ऑल्सो ए गैल्वेनोमीटर, एक्चुअली वोल्ट मीटर इज ऑल्सो ए गैल्वेनोमीटर। तो देखो वोल्ट मीटर भी जो एक्चुअली में क्या है, बोलो गैल्वेनोमीटर ही है। अब देखो कैसे कैसे इसको बनाया जाता है, गौर से सुनो। तो क्या करते हैं ना इसमें, देखो मान लो ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, क्या है बोलो गैल्वेनोमीटर, इतना तो पता है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब एक संट जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, तो बन जाता है एमीटर, क्या बनता है, तो पैरेलल में जोड़ते हैं, कहां जोड़ते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, गैल्वेनोमीटर में एक हम लोग रेजिस्टेंस जोड़ेंगे जिसका वैल्यू होगा बहुत ज्यादा, क्या होगा, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्या बोले बोलो, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का वायर जोड़ देंगे, बात समझ में आ रहा कि नहीं, किसके बोलो
गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, तो बन जाता है वोल्ट मीटर। क्या बनता है ब्रो? वोल्ट। तो थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं, है तो गैल्वेनोमीटर ही। तो ये था गैल्वेनोमीटर जी, इसको एक बैटरी से जोड़ दो और इसका यूज करके हम लोग क्या मेजर करते हैं बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करेंगे? लिखो, यही लिखो, व्हेन ए हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वायर। हाँ, फिगर तो बना लो, उसको लिख लेना, पिक्चर तो बना लो। ठंडा थोड़ा बढ़ गया है ना? नहीं, हमको लग रहा है आज टाइम टाइम चेंज नहीं होगा ना। छापो नहीं हो पोले? छापा, छापो। टोपी पहनने से एक प्रॉब्लम है, तो बाल का ढांचा बिगड़ जाता है कि नहीं? लाइव ही नहीं किया आज। हमको लगता है नहीं, ठंडा में अगर किसी को करंट भी मारा ना, फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्या है कि नहीं? लिखा, पंखा जला दे, चलो लिखो, छापा जल्दी छापा। लड़की लोग को तो छोड़ो, लड़का लोग कोमा में चला जाएगा, क्या है? ऑलरेडी एक हफ्ता से नहाया नहीं होगा, सही बोल रहे कि नहीं? हाँ, तुम छापा तो चुपचाप लिखो, ठीक है? चलो लिख लिया। ये क्या किए बोलो तो? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए, तो क्या बन गया? वोल्ट मीटर। बोलो कोई दिक्कत है? तो लिखो, व्हेन ए हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वायर, लिखो, व्हेन ए हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वायर, व्हेन ए हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वायर, लिखा ना, व्हेन ए हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड टू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। कनेक्टेड टू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कनेक्टेड टू, हाँ ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर, लिखो, देन वोल्ट मीटर इज फॉर्म्ड, देन वोल्ट मीटर इज फॉर्म्ड। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं, किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए एमीटर को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है? एमीटर को, कुछ भी, देखो फिर भूल गई, एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, सॉन्ड को पैरेलल में जोड़ते हैं, याद है ना? तो उसी तरह यहां पे देखो, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, क्या मेजर करने के लिए? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को, समझ में आ रहा है? जिस वायर का, मान लो जिस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसके पैरेलल में जोड़ा जाता है, कहां जोड़ा जाता है? तो वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ेंगे? पैरेलल में। जबकि करंट को मेजर करने के लिए एमीटर को किसमें जोड़ेंगे? सीरीज में। ये दो बात याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, चार को ऑप्शन दे देगा, ठीक है, लिख लो लास्ट में, लिखो, टू मेजरिंग द करंट इन एनी सर्किट, लिखो, टू मेजरिंग, मतलब मेजर्ड लिखो, मेजर ईटी करो ना, लिखो, टू मेजर्ड द करंट इन एनी सर्किट, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, आराम से ठीक से देख के, हाँ, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड विथ पैरेलल, पैरेलल बोला ना,
टू मेजर द करेंट इन एनी सर्किट वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड विद पैरेलल कम्युनिकेशन। क्या कर रहा है, टोपी खोल के रखो, कौन कानवा में घुसेगा। चलो लिखा नहीं लिख पाया, लिख लिया ना। तो वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो एमीटर थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा वोल्ट मीटर पढ़ लेना, समझ में आ गया। अरे बोलो हाँ या ना। चलो आप सीधे शुरू करो मैग्नेटिज्म, देखो नेक्स्ट टॉपिक, इटो खत्म हो गया। अभी क्या खत्म हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, मैग्नेटिज्म बाकी है। देखो हुआ, देखो चैप्टर का नाम लिखो, नया टॉपिक करो। मैग्नेटिज्म नया टॉपिक है, चैप्टर वही है। लिखा ए, फिर गप मत करो। अब सुनो, ये ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा बता चुके हैं पहले कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, वो बताएंगे। गौर से सुनना, गौर से सुना। मान लो यहां पे एक मैग्नेट है, क्या है बोलो, मैग्नेट। तो मैग्नेट में क्या होता हम बताए थे, मैग्नेट में एक तरफ होता है नॉर्थ पोल और एक तरफ क्या होता है बोलो साउथ पोल। बोलो हाँ या ना। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में जाता है। हम बोले थे कि जो मैग्नेट, देखो गौर से सुनो, मैग्नेट का यहां पर बोले थे बोलो एम वन, यहां पर क्या बोले थे बोलो एम टू। एम वन एम टू क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ पोल, क्या था बोलो स्ट्रेंथ ऑफ पोल। स्ट्रेंथ को हम लोग पावर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते बोलो पावर ऑफ पोल। तो M1 को बोलेंगे पावर ऑफ नॉर्थ पोल या फिर स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल, और M2 को क्या बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल। और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहां से निकलता है बोलो नॉर्थ पोल से निकलेगा और कहां जाएगा साउथ, और फिर साउथ से, और ये क्लोज होता है। प्रॉपर्टीज लिखाए थे क्या, प्रॉपर्टीज लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे। और ये से भी इधर से निकलेगा और यहां जाएगा और फिर साउथ से कहां जाएगा। और एक बात याद रखना कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, और ये क्लोज होता है, क्या होता है बोलो क्लोज। कहानी वही, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट पर, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन के डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, याद है, याद है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को बताएगा। तो ये सब चीज बताएगा, पढ़ा चुके हैं पहले ही, पढ़ाया ना। चलो तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेटिक, मैग्नेट जो है ये सब्सटेंस का, सुनो गौर सुनो, ये एक सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज है, क्या है बोलो सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज है, जो क्या करता है, जो लोहे की वस्तुओं को, लोहे की वस्तु समझ में आ रहा ना, या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस बोल सकते हैं कि जो लोहे की वस्तुएं होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोले तो आयरन है ना, निकेल, कोबाल्ट है ना, ये सब को क्या करता है अपनी ओर क्या करता है बोलो अट्रैक्ट करता है। और एक कंडीशन है, अगर मैग्नेट को, अगर मैग्नेट को एक फ्रीली रस्सी से बांध के अगर लटका दिया जाए तो ऑलवेज जो है ऑलवेज रुकेगा, हमेशा नॉर्थ और साउथ में ठहरेगा। बात समझ में आया, नॉर्थ और साउथ में क्या होगा बोलो ठहरेगा। इसी को दो चार लाइन खाली लिख लेना है, लिखो व्हाट इज मैग्नेट। लिखा क्या, लिखा देते थोड़ा सा, दो चार लाइन खाली लिख लो, उसके बाद हम लोग जो मेन टॉपिक में पढ़ेंगे। लिखो व्हाट इज मैग्नेट, लिखो इट इज प्रॉपर, लिखो इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, लिखा इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, लिखो विच अट्रैक्ट, विच अट्रैक्ट, विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ,
विच इज एट्रैक्ट्स लिखा, स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, विच इज एट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक, मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लाइक लिखो आयरन, निकेल, कोबाल्ट, समझ में आ गया। तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, मैग्नेट। अगला पॉइंट देखिए, लिखो पॉइंट नंबर वन, लिखो पॉइंट नंबर वन देखिए, लिखा लिखो व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड, व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड, लिखा लिखो व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड, लिखा व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड, लिखा ना फ्रीली विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ एन, लिखा लिखो लिखो अनस्पन, लिखो स्पेलिंग लिखो यू एन एस पी यू एन, लिखा यू एन एस, लिखा यू एन एस पी यू एन, हम बताएंगे उसका मीनिंग क्या होता है, स्पेन थ्रेड, अनस्पन थ्रेड, लिखा हाँ थ्रेड लिखा, इसका मतलब होता है खुला धागा, क्या था बोलो खुला धागा। तो लिखा हुआ है कि व्हेन ए गौर से सुनना क्या बोले, व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ एन अनस्पन थ्रेड, मतलब फ्रीली धागा से जब एक मैग्नेट को क्या किया जाए बोलो, लटकाया जाए, लिखो इट कम्स टू रेस्ट, लिखो इट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ पोल, इट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, लिखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, लिख लिया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये बात समझ में आ गया। तो जब एक मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं, फ्रीली किसी धागा से लटका देते हैं, तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में आके ठहरता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर क्या होगा, इट कम्स टू रेस्ट, लिखा है ना इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये बात ध्यान रखना, कोई दिक्कत है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पहले लिखा है देखिए, तो लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। अच्छा ये तो पता है, पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई मैग्नेट है इसके चारों तरफ क्या होगा बोलो, मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा बोलो मैग्नेट, तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। अच्छा बताओ मैग्नेट में क्या होता है बताओ, अगर दो मैग्नेट है तो ये तो जानता ही है, इसे बताने की जरूरत पड़ेगा क्या कि नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बोला है ना, तो सेम नेचर ऑफ पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, बोला है ना, एंड अपोजिट नेचर ऑफ पोल ऑलवेज अट्रैक्ट, ये सब जानता है, जानता है कि नहीं, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं, फालतू है, समझ में आ रहा कि नहीं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो एग्जाम में आता है उसे पढ़ लो, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जानता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज टू द साउथ एंड अगेन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, दैट मींस इसका मतलब क्या समझ में आया कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ए क्लोज्ड लूप, कैसा लूप है क्लोज, अरे लूप का मतलब बताए थे, जो क्लोज होता है उसको लूप बोलते हैं, बता दे कि नहीं, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है क्या तो बोलो क्लोज्ड लूप होता है, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, अरे जिस तरह वहां पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उसी तरह यहां क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, ये जो दिख रहा है, ये जो सर्कल दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं, यही क्या है बोलो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, तो पहले पढ़ाए इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी है, ये जो लाइन दिख रहा है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं बोलो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्या बोलते हैं, तो लिख लो एक पहला पॉइंट, लिखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज टू द साउथ पोल। प
पहले एक बार लिखा है जस्ट लाइक, ये समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन ही हो रहा है, बस वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा था, यहां क्या पड़ेगा मैग्नेटिक। लिखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज ऑरिजिनेट फ्रॉम, लिखा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज टू द साउथ पोल। गोस्तू तो लिखा ना, एंड अगेन लिखो, एंड अगेन लिखो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। साउथ से नॉर्थ का, नॉर्थ से बाहर में जाएगा कहां, साउथ में। क्या बोल रहा है तुम, उस दिन नहीं पढ़ाए थे जब ये वाला चैप्टर शुरू किया था? दूसरा लिखो, लिखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर, हाँ लिखो जल्दी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर। लिखा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करता, चलो ठीक है, ये क्लोज लूप होता है। लिखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ए क्लोज लूप, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ए क्लोज लूप, लूप लूप एल डबल ओ पी। लिखा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ए क्लोज लूप। लास्ट पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट लिखो, ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ड्रॉ ए टेंजेंट कुछ नहीं, पहले भी एक बार पढ़ाए, सुन ही नहीं रहा, तीन बार बोले, लिखो ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। ठीक है, अब सुनो मेरा बात, तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम लोग काम डेरिवेशन कराए थे, याद है कूलम्स लॉ पढ़ाए थे, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट वर्टिकल पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाए थे, बोला है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन ए टॉर्क ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए थे। सब चीज यहाँ पढ़ना है, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह बदल के क्या रख देंगे, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक डायपोल की जगह क्या डालेंगे, मैग्नेटिक डायपोल, समझ में आया, क्या डालेंगे बोलो, सेम डेरिवेशन, समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ही रिवाइज हो रहा है, समझ में आ गया, एक थोड़ा कैलकुलेशन चेंज नहीं, जहां जहां क्यू दिखता है वहां वहां क्या डालेंगे, अब एम क्या डालेंगे, समझ में आ गया कि नहीं, कुछ करना ही नहीं। अच्छा इसका मीनिंग तो पता है ना, ये पिक्चर ड्रॉ किया था, नहीं किया तो करो, अब करो, और M1 और M2 को लिखो, M1 और M2 क्या है बताओ जल्दी, स्ट्रेंथ ऑफ पोल, पावर ऑफ पोल बोलो, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ पोल, पावर ऑफ पोल्स, क्या पकड़ लेगा, स्ट्रेंथ ऑफ पोल, हम क्लास लेते हैं रोज आ जाती है, आ जाती है क्या, आ जाता है, संडे को खा पी के आएगा, समझा ना,
अब जो होगा सो संडे को ही होगा। ये टॉपिक छोड़ दे, तुम लोग कर लेगा, हम डायरेक्ट लिख दे क्वेश्चन, कर लेगा कौन कौन कर लेगा लगता है, जल्दी बताओ। तो हम खाली क्वेश्चन लिखा देते, तुम लोग कर लेना। अच्छा याद करो, चलो हम पूछते हैं कुछ कुछ, फटाफट जवाब देगा, पूछे ना, चलो खड़ा हो जाओ। कहाँ गया? इलेक्ट्रिसिटी की रिविजन नहीं हुआ अभी तक, धन्य हो आप लोग। चलो यहाँ देखो, सुनो बबुआ, घर से सुनो, हमको तो लग तो नहीं रहा है कि तुम लोग कर लेगा। चलो क्वेश्चन लिखो, छोड़ा तो बेकार, छोड़ छाड़ देगा। एक क्वेश्चन सुनो, घर से सुनो, अगर वहां से नहीं पूछा ना तो यहां से पक्का पूछेगा। क्या बोलो, सुनाई दिया? अगर क्वेश्चन वहां से नहीं आया, कहां से? इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला टॉपिक जो पढ़ाए थे अभी, जिसका जिसका नाम बोले है ना, अगर वहां से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तो यहां से कंफर्म आएगा, ठीक है? और यहां से नहीं आया तो वहां से आएगा, ठीक है? तो दोनों एक कर लेगा तो एक फ्री में मिल जाएगा, उधरे कर लेना रिवाइज, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, बोला है ना। चलो लिखो, अभी कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो समझ जाएगा, समझ जाएगा ना अब। चलो सीधे लिखो, लिखो राइट कूलम्स लॉ या फिर एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, जो लिखना है लिखो ना एगो। इन मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिज्म में हमको कूलम्स लॉ को क्या करना है बोलो, समझाना। चलो गौर से सुनना, मान लो यहां पे दो पोल है, कितने पोल है बाबू? दो। गौर से सुनना, ये एक मैग्नेट है, क्या है बोलो? और यहां पे एक पोल है जिसको हम लोग बोलेंगे M1, और यहां पे एक पोल है इसको बोलेंगे M2। ये मान लो नॉर्थ पोल होगा और ये क्या होगा बोलो? साउथ। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो R है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बोलो? R। तो तुम लोग को पता होगा, ये तो पढ़ा ही होगा, बोला है ना कि सेम नेचर ऑफ जो पोल, देखो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होता है सेम टू सेम वहां के जैसा ही, बोला है ना। अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, जानता ही सब, नॉर्थ और साउथ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, साउथ साउथ क्या करेगा? रिपेल करेगा। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ, वहां पे क्या पढ़ाए थे कूलम्स लॉ याद करो, तो F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर, यही था ना। और वहां पे बताए थे याद करो कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बताए थे कि ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, बोलो याद है? मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन एंड क्यू टू, एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर, याद है कि नहीं है? तो सेम टू सेम यहां वही बोल सकते हैं, द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू पोल्स, बोलो है ना। लिखना नहीं है, सीधे जानता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बोलो, M1 एंड M2। दूसरा नंबर में हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, इसको दोनों एक साथ लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय क्या होगा? आर। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो लगेगा K, तो K की M1 M2 बाय क्या हो जाएगा बोलो, आर स्क्वायर, वही कोई दिक्कत। लेकिन यहां K की जगह क्या डालेंगे याद है? हाँ कुछ भी मैग्नेटिज्म पढ़ रहा है ना, तो K का वैल्यू कितना डालेगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई, भूल गया, म्यू नॉट बाय क्या डालेगा? 4, ठीक है। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 टू डी, 4 पाई इंटू 10 टू डी पावर माइनस 7 वेबर पर एम्पियर पर। हमको पता था तुम लोग यही सब बोलेगा, इसीलिए तो करा रहे हैं। F इक्वल टू हो गया बोलो म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 और बाय क्या होगा बोलो, R स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ इन मैग्नेट। उतारो जल्दी फटाफट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाए हैं, क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ी है? ना, इसमें क्या लैंग्वेज लिखा? सीधे
लिख लेना द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स बिटवीन टू पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू पोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम. नहीं लिखना है ऐसे ही लिखना. हो गया ये समझ में आ गया. लिखो सीधे क्वेश्चन लिखो. लिखो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. मैग्नेट हाँ ठीक बोल रहे हैं ठीक. देखना कभी कभी इलेक्ट्रिक बोल देंगे कोई ठिकाना नहीं है ना. तो मैग्नेटिक समझना. लिखा व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है. द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यहां क्या लिखेगा. द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. लिखो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल. द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल. अरे यूनिट साउथ पोल भी लिख सकता है कोई दिक्कत नहीं है ना. द फोर्स एक्सपीरियंस बाय बोलो यूनिट नॉर्थ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर बी. इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर बी. वेक्टर बी कैपिटल बी होगा ना. चलो बताओ मिटाते हैं इसको. याद है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है. टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट इसका यूनिट डायमेंशन वहां से निकाल लेना. एफ इक्वल टू क्यू बी बी. याद है ना. भूल गया. वहां से निकाल लेना इसका यूनिट डायमेंशन वगैरह. देखो एकदम वही कहानी कि मैग्नेटिक फील्ड में. ए सुनो 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 सुनेगा कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड है. सुनो ये कौन सा फील्ड है बोलो. मैग्नेट. तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर सुनो एम पोल को रखें. यू कितना पोल को रखें बोलो. एम. अरे सुन रहा है ना. किस पोल को रखेंगे. एम. अगर एम पोल को रखें तो मान लो एम पोल पर लगने वाला फोर्स एफ है. एम पोल पर लगने वाला फोर्स कितना है. एफ है. तो यूनिट पोल पर लगने वाला फोर्स कितना होगा. एफ बाय एम. और यूनिट पोल पर जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोटेड बाय वेक्टर बी. तो बी इक्वल कितना होगा बोलो. एफ बाय एम. बोलो कोई दिक्कत नहीं है. समझ में आ गया. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्म. अरे वही तो पढ़ा था एफ बाय क्यू पढ़ा था. याद है. तो एफ बाय क्या होगा. एम. तो वेक्टर बी इक्वल टू कितना होगा बोलो. एफ बाय एम. ठीक है. बोलो कोई दिक्कत. नोट करके लिखो. अब डेरिवेशन नहीं कराएंगे इसका. लिखा देता डायरेक्ट. लिखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर, एट डिस्टेंस आर एट डिस्टेंस आर ड्यू टू पोल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर ड्यू टू पोल, है ना, पोल से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, देखो गौर से सुनना, मान लो यहां पर एक पोल है, इस पोल का स्ट्रेंथ कितना है बोलो, एम है, अरे बोलो हाँ, है ना, सुना कि नहीं, इस पोल से आर डिस्टेंस पर, इस पोल से कितना डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो बोलो, तो कोई बता पाएगा, इस क्वेश्चन को देख के कुछ याद नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना था, इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यहां क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर स्क्वायर, क्या समझा कि नहीं, लेकिन रुक जा देखो हम यहां बता देते हैं अच्छा अभी तो जस्ट पढ़ाए ना, गौर से सुनना, अभी तो जस्ट पढ़ाए कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब यूनिट नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यही ना, तो मान लेते हैं कि यहां पर एक यूनिट नॉर्थ पोल है, क्या है बोलो, यूनिट नॉर्थ, और यूनिट नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगे उसी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फोर्स निकालो, फोर्स का फॉर्मूला अभी ताजा ताजा पढ़ाए बोला, हाँ ये ना, तो F इक्वल टू होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई एम वन, याद है कि नहीं है, और एम टू याद है ना, तो एम वन की जगह एम लिखेंगे, एम टू की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और दोनों के बीच का दूरी कितना है R, तो यहाँ क्या होगा बोलो R स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत, सजा के लिखेंगे तो F इक्वल टू होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय क्या होगा R स्क्वायर, ये क्या है, ये है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल, बोला है कि नहीं, और दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो B हो जाएगा, F के जगह B क्यों लिख दिया, समझ में आया, अरे ये है फोर्स है, फोर्स है, फोर्स फोर ये क्या है बोलो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट आप खड़ा करके एक लड़का कोई किसी को पूछते हैं, पूछते हैं ना, तुम लोग कुछ रिवाज वाज करके आता नहीं, खाली आ जाता मुंह उठा के, रिवाज वाज का ही नहीं करता, तुम पढ़ता ही नहीं, हमको लगता नहीं है कि पढ़ता है इसको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, सोचो, अरे वाह एग्जाम्पल दे रही, कितना अच्छा थे हो गया, कोई दिक्कत है, चलो अजय खड़ा हो जा, बहुत बोल रहा है तुम, खड़ा हो जा, उठो बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, याद है, बोलो, हाँ देखो याद कर रहा है, अभी पूछेंगे 8 क्लास में कौन मुस्कुराई थी, धाग से नाम बता दे, है कि नहीं है,
एट क्लास वाला बता देगा, लेकिन एक तीन चार महीना पहले पढ़ाए हैं वो नहीं बता पाएगा। इतना सोच रहा है वही तो हम भी। ओहो हाँ बोलो बोलो, ठीक बोल रहा बोलो। हाँ हाँ लेस बोलो। हाँ इसमें डोज क्या बैठो। ठीक है ठीक है, उसको है दिमाग में, याद नहीं आ रहा होगा ना। आजकल ठीक से कोई पढ़ता ही नहीं है। बैठो क्या, हम तो पढ़ते ही हैं। चल है नींद नींद तो सबको आता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा। चलो लिखाए थे याद करो, वहां पर पढ़ाए थे कि सेम वैल्यू ऑफ टू चार्ज बट नेचर इन अपोजिट सेपरेटेड बाय वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पर भी हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है तो लिखो व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल, करो जल्दी व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल लिखा, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल, तो क्या होगा बोलो। तो टू चार्ज की जगह यहां पोल बोलेंगे, है ना। तो मान लो ये एक मैग्नेट है, इसका भी इसका स्ट्रेंथ मान लो एम है, नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ कितना है एम है, और साउथ पोल का भी स्ट्रेंथ क्या है, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस सपोज करो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बहुत ही छोटा है, 12 इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बता दी कि नहीं। तो यहां पे सिंपल निकलेगा कि सेम वैल्यू ऑफ टू पोल बट नेचर इन अपोज, नेचर तो अपोजिट ही होता है, ये नॉर्थ होता है और क्या होता है बोलो साउथ। तो सेम वैल्यू ऑफ टू पोल नेचर इन अपोजिट सेपरेटेड बाय वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस 12, दिस सिस्टम इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। लिखो मैग्नेटिक डाइपोल, लिखो सेम वैल्यू ऑफ टू पोल, लिखो सेम वैल्यू ऑफ टू पोल बट नेचर इन अपोजिट, सेम वैल्यू ऑफ टू पोल बट नेचर इन अपोजिट, सेम वैल्यू ऑफ टू पोल बट नेचर इन अपोजिट सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड बाय वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2L। दो बार लिखना, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2L, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2L, अरे लिखा वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2L। लिखो दिस सिस्टम इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल, दिस सिस्टम इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल, दिस सिस्टम इज कॉल्ड जल्दी बोलो मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है। एक और जल्दी फटाक से नीचे लिखो क्वेश्चन, ये मैग्नेटिक डाइपोल समझ में आ गया, छापो इसको, छापो इसको, छापो छापो अभी। हाँ ठीक, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, लिखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, याद है वहां पे क्या पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहां क्या पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लिखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखा ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलो, याद है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर याद है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था बोलो, P इक्वल टू क्यू आर इन टू 2L, इसका याद है। हम बोले थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ वन चार्ज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, कोई दिक्कत। तो यहां पर भी वही लिखना, बोलो समझ में आया,
तो लिखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, लिखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ वन पोल, वैल्यू ऑफ वन पोल, वैल्यू ऑफ वन पोल इन मैग्नेटिक डाइपोल, हाँ इन मैग्नेटिक डाइपोल, वैल्यू ऑफ वन पोल इन मैग्नेटिक डाइपोल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, सही लिखा मोमेंट, हाँ है ना, लिखो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। अब कुछ याद आया, जहां हम लोग वहां पी पी यूज कर रहे थे याद आया, अब यहां क्या यूज करें कैपिटल एम, कोई दिक्कत नहीं। तो अरे हुआ ना, ठीक है तो गौर से सुनना, तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ वन पोल बोला है ना, वैल्यू ऑफ वन पोल, अरे बोला है ना, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम कितना था बोलो 12। तो यहां लिखेंगे कैपिटल एम इक्वल टू इसका वैल्यू क्या होगा स्मॉल एम और इनटू क्या हो जाएगा बोलो 12, बोलो कोई दिक्कत है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, कैसा क्वांटिटी होता है, और इसका डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल, याद रखना लिख लेना नीचे करके। इसका यूनिट डायमेंशन बहुत बार पूछा है, ध्यान रखना इसका यूनिट डायमेंशन भी हम लोग अभी तुरंत पढ़ेंगे, लेट ही नहीं करना इसको, लेकिन इसका यूनिट डायमेंशन यहां से नहीं निकाल पाना, यहां मतलब यहां से नहीं निकाल पाएगा, कहां से निकालेगा नोट करो, एनओटी नोट लिख लो एक लाइन यहां, लिखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ लिखो ना जो लिखना, लिखा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट्स डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट्स डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ, हाँ साउथ पोल से नॉर्थ लिखा ना, चलो नोट करो फटाक से एनओटी नोट। नोट किया, देखो अभी हम पढ़ाए कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम और इनटू 12, बोलो पढ़ाए ना, स्मॉल एम का मतलब क्या था वैल्यू ऑफ वन पोल और 12 का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब गौर सुनो, इससे पहले हम कभी कुछ पढ़ाएंगे कि जब किसी सर्कुलर वायर में करंट पास करते हैं बोला हाँ या ना, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है बोला हाँ या ना, अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो याद करो इसका जो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सेम होगा, इधर भी जितना होगा पीछे तरफ भी उतना ही होगा, अरे बोला हाँ या ना, तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो याद करो सामने वाला फेस नॉर्थ, क्लॉक में है तो साउथ पोल, हाँ ठीक है साउथ पोल बोलो, हाँ है ना, मतलब इसका पीछे वाला जो होगा क्या होगा बोलो नॉर्थ पोल, अरे होगा कि नहीं होगा, कहने का मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो इधर जितना स्ट्रेंथ पैदा होगा उसका पीछे भी स्ट्रेंथ क्या होगा सेम पैदा होगा, अरे बोलो हाँ है ना, मतलब इसका मतलब है कि पोल का वैल्यू क्या है बोलो सेम, पोल का वैल्यू क्या है सेम है, और इसका जो लेंथ है लेंथ कहने का मतलब इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा एक जस्ट वायर का लेंथ कितना बराबर होगा, अरे यार लेंथ अगर इसी को मोड़ दे तो इसका लेंथ क्या होगा जो लेंथ जो वायर का जो मोटाई है वही होगा, मतलब बहुत छोटा अगर बोले तो क्या है बोलो बहुत छोटा, नहीं है बहुत छोटा वेरी वेरी क्या है बोलो स्मॉल, इन दोनों के बीच का यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का जो लेंथ है वो क्या है बहुत ही छोटा है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में तो यही होना ही चाहिए कंडीशन, बोलो हाँ है ना, मतलब एक मैग्नेटिक यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट बनाएगा बोलो हाँ है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाएगा कि नहीं, अब गौर से सुनो
इस लेंथ को मेजर ना करके हम लोग यहां पे करंट को मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं बोलो? करंट। यही करंट को मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का क्या है बोलो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां से लगा लेंगे, क्या ये बात समझ में आया? तो इसका मतलब ये जो है यहां पे पोल पैदा होगा। अरे बोलो, है ना? इस पोल का वैल्यू देखो, गौर सुनो, देखो ये वाला जो है, ये जो है, ये क्या है बोलो? क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है कि नहीं? अरे बोलो, हाँ है ना? इधर जितना एरिया होगा पीछे तरफ भी उतना ही एरिया होगा। इसका मतलब है कि इसमें जब हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे बोलो? मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, बोलो, हाँ है ना? इक्वल टू क्या लिखना है बोलो? पोल। पोल का वैल्यू जो ये एम का वैल्यू है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा, क्या होगा बोलो? समझ रहा है ना? क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये क्या बताएगा? इसका पोल के स्ट्रेंथ को बताएगा। क्या बताएगा बोलो? पोल का स्ट्रेंथ। तो पोल के स्ट्रेंथ के जगह हम लोग लिख देंगे ए। मतलब कहने का मतलब है कि एम जो है किसमें रिप्लेस हो जाएगा? कैपिटल ए में। ए क्या है, समझ में आ रहा है? क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ये सर्कुलर लूप, समझ में आ गया। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये किसमें रिप्लेस हो जाएगा बोलो? आई में। तो एक फॉर्मूला यहां से याद रखना, एम इक्वल टू क्या होता है? ए और इनटू आई। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। और यहां से हम लोग सारा यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? यूनिट डायमेंशन निकालो, यूनिट ऑफ कैपिटल एम, ये बात ध्यान रखना, ये इसके लिए। ए का मतलब कितना होगा बाबू? ए का मतलब अगर ए का वैल्यू पुट करना चाहेगा तो क्या होगा बोलो? पाई आर स्क्वायर, यही ना? चलो कैपिटल एम बोलो, ये क्या है? एरिया है ना, तो एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ये क्या है? आई है ना, तो आई का क्या होगा? एम्पियर। तो इसका मतलब है इसका यूनिट होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। बोलो, कोई दिक्कत है? चलो डायमेंशन फॉर्मूला बना लेगा। अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? एम्पियर का कैपिटल ए, याद है ना? और मीटर का क्या होगा? एल। ए, कोई दिक्कत है? पोल का भी यूनिट पूछता है, किसका पूछता है बोलो? पोल। तो यहां बना देते हैं यूनिट ऑफ स्मॉल एम। चलो स्मॉल एम का फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं, गौर से सुनना, वहां से निकाल ले। अरे बोलो, हाँ ये ना, ये तो निकाल ही लिया, वहां से देखो। तो क्या अभी पढ़ाएं कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम और इंटू टू एल? बोलो, हाँ ये ना, स्मॉल एम का हमको यूनिट चाहिए। अरे यही ना, स्मॉल एम का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? कैपिटल एम और बाई क्या होगा बोलो? टू एल। बहुत अच्छा, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। यहां बोलो यूनिट ऑफ स्मॉल एम, यूनिट ऑफ कैपिटल एम का फॉर्मूला अभी आया, कितना आया? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। और यहां लंबाई है ना, लेंथ है, तो लेंथ का क्या होगा? मीटर। तो मीटर मीटर लुढ़क जाएगा, आएगा क्या? एम्पियर मीटर। ये एम्पियर है, ठीक है? क्या होगा बोलो? एम्पियर मीटर। तो याद रखना यूनिट ऑफ स्मॉल एम का जो यूनिट होता है क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। डायमेंशन निकाल लेना, समझ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, ये तो जानता ही, ये भी लिखना पड़ेगा ए। और चलो आज इतना ही रखो, खत्म करो। ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो ये एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनाएगा ही बनाएगा। बोलो, हाँ ये ना, किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। मैग्नेट लिखे ना, चलो इतना ही रखो। संडे को कभी जाएगा?